Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering chapter number third that is decimal or decimal के previous lecture videos में हम लोगों ने काफ़ी concept discuss कर लिए हैं. आज discuss करेंगे multiplication और अगर time बच गया तो multiplication के साथ ही मैं division कराऊँगी. अदरवाइज मैं मल्टीप्लीकेशन का सेगमेंट अलग रखूँगी और डिवीजन का सेगमेंट अलग रखूँगी. अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑल अबाउट और टाइम. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन का एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है फाइंड. अब फाइंड में अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं. जैसे पहला क्वेश्चन मान लो दे रखा है 3.2 × 10. सॉल्व करोगे नॉर्मली ये आ जाएगा 320. इसको आप 3.2 से आपने इसको पॉइंट को इग्नोर करना है. पहले पॉइंट को ध्यान नहीं देना, पहले क्या करना है 3.2 होगा तो 32 मान लो. 32 को 10 से मल्टीप्लाई किया 320 और ये जो पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद आप पॉइंट लगा दो और फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर विल बी 32. बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि डेसिमल को रिमूव कहाँ कैसे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आता है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट नहीं आता. तो होपफुली इस पार्ट को देखने के बाद आपके सारे के सारे इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सेकेंड पार्ट देखो 453.7 × 10. अब इसमें भी सिमिलरली करना है, इस पॉइंट को ध्यान नहीं देना, पहले सिंपल मल्टीप्लाई करो. 45370 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया आपने और पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एंड देन आंसर विल बी 4537. ओके, नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट को कंसिडर करते हैं. थर्ड पार्ट इज 268.07 × 10. अब सिमिलरली पॉइंट को ध्यान मत दो, 268.07 को मल्टीप्लाई करो 10 से, यू विल गेट 268.07 and 0. क्यों? क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो और दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट छोड़ी मैंने, ये डिजिट छोड़ी, पॉइंट यहाँ लगेगा. ओके, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा दैट इज 268.07 और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको जीरो भी लगा सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट से 42.1 × 100 मल्टीप्लाई बाय 100. अब सिमिलरली पॉइंट ध्यान नहीं देना, पहले आपको 421 और डबल ज़ीरो लगा देना है क्योंकि यहाँ डबल ज़ीरो है तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई में डबल ज़ीरो लगा दोगे और पॉइंट वन के बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा जो कि एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर विल बी 4210 योर आंसर. ओके, तो हो सकता है आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा हो तो वो आप लोग मुझे मेंशन कर दीजिएगा. 0.83 × 100 तो आप लोगों को क्या डिराइव हो जाएगा, फिर पॉइंट इग्नोर करना है. 83 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 8300 और दो डिजिट के बाद पॉइंट तो 1 और 2, इन दोनों पॉइंट को, इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, तो एक छोड़ा, ये छोड़ा और यहाँ पॉइंट लगाया तो ये दोनों क्या होगा, एलिमिनेट. 83 विल बी योर आंसर. ओके, सिक्स्थ पार्ट इज 0.09 × 1000. अब ये वाले दोनों डिजिट नहीं देखने क्योंकि पॉइंट हटाया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. 9 को सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 9000 से, 9 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 9000 और 9000 के बाद दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो दो डिजिट के बाद आपका जो पॉइंट लगेगा वो ये नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नहीं, नहीं दो डिजिट है ना, दो डिजिट के बाद तो एक यहाँ पे नहीं लगेगा, एक यहाँ पे नहीं लगेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा तो ये हो जाएगा आपका 90 विल बी योर आंसर. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको समझा दी. अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँगी. क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई. ओके, इसका पहला पार्ट देखो 1.2 × 1.2. अब देखो यहाँ पे दोनों में पॉइंट लगे हैं, यहाँ भी पॉइंट और यहाँ भी पॉइंट, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. दोबारा से
पॉइंट को ध्यान नहीं देना आपको, आपको सिंपल 12 को मल्टीप्लाई करो 12 को, तो 12 का क्या हो जाएगा 144, जो कि स्क्वायरिंग्स वगैरह भी आपको याद होनी चाहिए। 12 × 12 144, और यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, तो दो डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट ये हो गई और एक डिजिट ये हो गई, तो ये एक और एक दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 यहाँ लगेगा पॉइंट। ओके, एक और लेते हैं क्वेश्चन, 1.3 × 1.3, तो अब कहाँ लगेगा, पहले 13 × 13 करो, 169, और 169 के बाद पॉइंट, और पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ दो डिजिट के बाद पॉइंट आपका आ जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको ये वाले भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब लेते हैं जब दो तीन डिजिट के बाद पॉइंट है, सपोज ले लिया मैंने 1.6 × 0.8, तो ये आपको मिलेगा 128। ओके, 16 × 128, और पॉइंट और पॉइंट दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 यहाँ पे लग गया पॉइंट। तो ये मल्टीप्लाई का पूरा प्रोसीजर था। और भी कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ इसके, जैसे कि 3.2 × 0.7। अब इसमें आपने जब मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 214, और 214 के बाद 224 होगा, 3.2 × 7, पॉइंट नहीं दो, ध्यान दो, 7 × 2 = 14, और 7 × 3 = 21, और 122, 224 आ गया, और एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, दो के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये भी कंसिडर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 2.001 × 1.1, तो ये क्या हो जाएगा, 2.001 × 1.1, तो इसके अंदर क्या कंसिडर किया जाएगा कि आप लोगों का 2.001 × 1.1, पहले आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे। सिंपली मल्टीप्लाई मतलब आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2001 को 11 से, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 22011। यहाँ पे कितने पॉइंट है देखो, काउंट करो, 1 1 1, यहाँ पे कितने नंबर है, 1। अब ये एक के बाद पॉइंट है, ये 3 के बाद पॉइंट है, तो टोटल मुझे कितने के बाद पॉइंट लगाने, 4 के बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूँ, तो ये मेरा करेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर। बिल्कुल बारीक से कोशिश की है मैंने कि एक एक इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। एक दो और क्वेश्चन देखो इसमें, जैसे 2.15 × 5 है, तो आप इसको, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो सिंपली कितना आ जाएगा, इसको 2.15 को इंटू 5 करोगे, तो यू विल गेट 1075, और यहाँ से पॉइंट कितने के बाद है, दो डिजिट के बाद, तो दो डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इफ़ 1 kg ऑफ फुल क्रीम मिल्क कंटेन्स 0.315 kg ऑफ फैट, हाउ मच फैट is there in 20 kg of milk? अब देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, बस इसको समझने वाली बात ये है कि 1 kg की कॉस्ट दे रखी है 0.315, और 20 kg की कॉस्ट पूछी है। तो आप लोगों को मैंने क्लियरली कॉन्सेप्ट्स में कराया था, जब कम की क्वांटिटी दे रखी हो, ज़्यादा की क्वांटिटी पूछी हो, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका सेम टू सेम, द कॉस्ट ऑफ 1 kg फुल मिल्क, फुल क्या था, फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क इक्वल्स टू 0.315 रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ 20 kg फुल मिल्क equals to
20 × 0.315 रुपीज़, और इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 6.3 kg। सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो 2 को इससे और 6.3 इज़ योर आंसर। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज मैंने मल्टीप्लिकेशन ही लिए है। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीज़न भी हो जाएगा, ठीक है, डिवीज़न उसी में कंसिडर कर लूँगी। अब कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोगों की रिवीजन बनी रहे। इंटीजर्स आज सिर्फ मैं देती हूँ आपके डेसिमल के क्वेश्चन, ओके। तो डेसिमल के 3 क्वेश्चंस दूंगी मैं, 0.28 × 1.66, 2.43 × 2.8 और 1.6 × 4.24। ये तीनों मल्टीप्लिकेशन के बाद आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ओके। उसके बाद आप लोगों का काम ये है कि सारी की सारी रिवीजन जितने भी पार्ट्स हुए हैं, पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, सारी के सारी रिवीजन करते रहो, सो दैट कि आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट लैक ना करे। और ये चैप्टर 5 ख़त्म होने के बाद मैं और भी पार्ट्स लेके आऊँगी, सो दैट कि आप लोगों के और भी चैप्टर्स, कोई भी चैप्टर छूटे ना। तो इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मीटअप करते हैं। तब तक स्टे ट्यून, बी हैप्पी और लेक्चर्स को अच्छे से कंटिन्यूस वे में देखो ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। थैंक यू।